मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि काजल को बड़े झुमके बहुत ही पसंद थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये झुमके काजल को देकर उसे वो प्यार भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से घर के अंदर आ गया। घर में आते ही मुझे काजल और दिव्या के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी दिव्या काजल के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही होगी। वो दोनों जब भी साथ होती थी तो ऐसा ही होता था, घर में रौनक छा जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए थे जो मैं काजल के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी दिव्या 7 साल की थी जब मेरी पत्नी हीना का देहांत हो गया था। मैं दिव्या की जिंदगी में सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का ही प्यार देता था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सी रहती थी। और इसकी वजह ये थी कि मैं उसे वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक घर का काम करती थी और दिव्या की देखभाल भी करती थी, और फिर जब मैं घर आ जाता तो वह अपने घर चली जाती थी। घर आने के बाद का वक्त मैं दिव्या के साथ ही बिताता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर और उसकी सहेलियों के बारे में बातें करता, लेकिन वो कभी खुलकर बात नहीं करती थी, बस वो मेरे सवाल का जवाब दे दिया करती थी। मैंने महसूस किया था कि उस वक्त तक मेरी बेटी दिव्या उदास ही रहती थी जब तक कि उसकी जिंदगी में काजल नहीं आ गई थी। काजल हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही रहने आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी की स्कूल में ही थी। 7वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी और अब तो मेरी बेटी दिव्या हर वक्त काजल के घर पर ही रहती थी, या फिर कभी कभी काजल हमारे घर आ जाती थी। काजल के माँ बाप मर चुके थे और वो अपने मामा के पास ही रहती थी। उसके मामा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस था जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा से मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी हीना का साथ मुझे ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिला, वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी हीना से बहुत प्यार करता था। मैं देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं अपनी पत्नी हीना से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो मेरी पत्नी कम और दोस्त ज्यादा थी। हीना और मैं एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, वो मेरी पहली नजर का प्यार थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शायद यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को दे नहीं पाया था। तकलीफ बस इस बात की थी कि किस्मत में हमारा साथ ज्यादा नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती काजल से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। जब से काजल आई थी, घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। जब कभी वो दोनों किचन में कुछ पका रही होती तो पूरे किचन में उधम सा मचा रहता था, और बाद में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना मुझे टेस्ट जरूर कराती थी। वो दोनों जैसा भी खाना बनाती मैं यही कहता कि बहुत ही टेस्टी और मजेदार है। मेरी नजर में काजल भी ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी दिव्या थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और दोनों ने अपना इंटर पास कर लिया था। दिव्या ने जब प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास किया, तब मैंने उसे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो गिफ्ट दिव्या ने मुझसे मांगा
वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दिव्या ने मुझसे कहा, पापा आप काजल से शादी कर लो। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया और मैं सोचने लगा कि यह क्या कह दिया दिव्या ने। आज मैंने पहली बार दिव्या पर गुस्सा किया और कहा, तुम होश में तो हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है और तुम हमारी शादी की बात कर रही हो। तब दिव्या कहने लगी, काजल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पापा मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज आप उससे शादी कर लो, मुझे काजल चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और मैंने उसे कहा कि काजल कोई चीज नहीं है जो तुम्हें लाकर दे दूं। वो एक जीती जागती इंसान है और वो मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे काजल या उसके मामा के सामने शर्मिंदा कर दे। दिव्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त से ये बोलने के लिए भी मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही और तुम मुझे ये करने के लिए कह रही हो। मेरा तो ये सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है कि वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी, जबकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में कोई फर्क तक नहीं किया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझे इस तरह की बात की तो। मैंने आज तक दिव्या को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसने बात ही ऐसी की थी कि मेरा बोलने का अंदाज कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वो ये सब सोच भी कैसे सकती है। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर दिव्या रोते हुए मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि अभी बचपना है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल ही भुला चुका था, लेकिन दिव्या ने तो हद ही कर दी थी। खाना पीना तक छोड़ दिया और बेजान सी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। जब मैं उसे वजह पूछता तो कहती कि आप काजल से शादी कर लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे उसके कहने पर उस बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। मैंने दिव्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, और फिर 4th दिन वो कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं उसके सामने अब खुद को बेसहारा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो काजल के मामा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी दिव्या काजल का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर काजल को नहीं दी थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था, इसलिए मजबूर होकर और दिव्या की हालत देखकर मैंने काजल को कॉल करके बता दिया कि दिव्या बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही काजल तुरंत ही अस्पताल आ गई और कहने लगी, दिव्या अचानक तुम्हें क्या हो गया। काजल दिव्या के लिए बहुत परेशान लग रही थी और चिंतित भी लग रही थी। दिव्या ने भी काजल की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली और काजल को सामने देखकर रोने लगी और कहने लगी, काजल मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। मैंने पापा से सिर्फ इतना ही तो कहा था कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वो मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि दिव्या काजल के सामने यह बात कह देगी। मेरा सिर तो उसी वक्त शर्म से झुक गया कि पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मैं कमरे से तुरंत ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे काजल से नजरें मिला सकता था, ये दिव्या भीना, इसने तो मुझे काजल के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैं ये सब सोचते हुए पसीना पसीना हो गया और काउंटर पर पड़ी ठंडे पानी की बोतल उठाकर गटागट पी लिया। कुछ देर बाद जब काजल बाहर आई तब मैं वही कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ते ही मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली। कुछ ना करके भी
मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। काजल मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो आलोक। और यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी, आलोक मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। मुझे लगा शायद दिव्या ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वो काफी दिनों से मुझे कर रही थी। मैंने उसे कहा, तुम दिव्या की बातों को इतना सीरियसली मत लो, वो तो बेवकूफ है। मैंने कभी भी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा है और ना कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो और मुझे बिल्कुल दिव्या की तरह ही प्यारी हो। दिव्या जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और तुम्हें पसंद करती है, और इसी भावनाओं में बहकर फिजूल की बातें लेकर बैठ गई है और तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। तब काजल कहने लगी, ये सिर्फ दिव्या की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। काजल की इस बात ने तो मुझे सुन कर दिया और मैं बड़ी हैरत से उसे देखे जा रहा था। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे तो लगा कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। ये मैं क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था। मुझे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि वो लड़की मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में रखी बोतल को पटक दिया। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसी गुस्से में काजल से कहा कि आज के बाद हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। वो खूबसूरत थी, जवान थी, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, फिर मैं ही क्यों। मैं उलझन में था, लेकिन वो बहुत ही शांत अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, आलोक भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। जब मुझे ही कोई एतराज नहीं है तो आप दिव्या की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे मामा को हो गई, तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में मेरी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं ऐसी बात कभी नहीं कर सकता जिससे मैं दूसरों की नजरों में गिर जाऊं। तब काजल कहने लगी कि आप मेरा यकीन मानो आलोक, मेरे मामा को कोई एतराज नहीं होगा अगर आप मुझसे शादी कर लेते हैं तो। ये बात सुनकर तो मैं और भी हैरान हो गया और सोचने लगा, भला उसका मामा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भांजी की शादी करेगा। मैं काजल की हिम्मत देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बहुत ही आराम से दे रही थी। और फिर वो वहाँ से चली गई। शाम तक दिव्या भी काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। घर आते ही उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि अब तो काजल को भी कोई एतराज नहीं है, फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते। मुझे शादी करने का कोई मन नहीं था, ये तो बस मेरी बेटी की जिद थी, इसलिए मैं उसके सामने हार गया था। और फिर जब काजल को भी कोई एतराज नहीं था, तो मैं कब तक दिव्या को मना करता। इसलिए मैं खुद ही काजल के मामा से इस बारे में बात करने चला गया। उसके मामा ने कहा, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का काजल की तरफ रवैया कुछ ठीक नहीं है। मेरी पत्नी काजल के पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से उसकी शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। और काजल तो बहुत समझदार है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर आप उससे शादी कर लेते हैं तो।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे बहुत खुश रखेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में बहुत ही सादगी से काजल और मेरी शादी हो गई और उस दिन दिव्या बहुत ही खुश थी। रात को काजल दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मेरा दिल उसे पत्नी स्वीकारने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। दबाव और जल्दबाजी में की गई शादी, वह भी इतनी कम उम्र की लड़की से, मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कुछ देर मैं ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। दिव्या चैन से अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों को समझाने लगा कि अगर काजल को एतराज नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था और इसी उलझन में मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि काजल दुल्हन के लाल जोड़े में सजी सवरी बैठी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग दोनों उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी तरह के कोई भी जज्बात नहीं है। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और जैसे ही मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली तो उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके दिल में मेरे लिए उभरते जज्बातों को समझते हुए मैंने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वो आज काफी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की और कहा, देखो काजल, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते को स्वीकारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो दिव्या के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर एतराज करेगी या कुछ बोलेगी, क्योंकि हर लड़की को शादी को लेकर और खासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन काजल तो बड़े आराम से मान गई और कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं जाकर दिव्या के पास सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे शायद मेरी इजाजत की ही जरूरत थी और वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी कि हर लड़की के मन में अपनी शादी की रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। और फिर काजल तो खुद ही मुझसे शादी करना चाहती थी, तो फिर मेरी बात उसने इतनी जल्दी मान कैसे ली। उसके कहे अनुसार तो मैं उसे पसंद भी था, इसलिए उसे कुछ तो एतराज होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा कि उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। काजल अब रोज दिव्या के कमरे में ही सोने लगी थी। उसके साथ ही हंसती बोलती और बातें करती थी। मैं रोज उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरी पास वाली फ्रंट सीट पर बैठ जाती और दिव्या को तंग करते हुए कहती कि अब यहाँ बैठने का हक मेरा है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या मेरे पास फ्रंट सीट पर बैठा करती थी। काजल की बात पर दिव्या खिलखिलाकर हंस पड़ती थी और उसे छेड़ने लगती थी। हमारी शादी को अब एक महीना पूरा हो चुका था, लेकिन काजल अभी भी दिव्या के कमरे में ही सोती थी। मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि काजल के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और काजल के बीच हुआ उसने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी काजल मेरे कमरे में आ गई। मैंने जब उसे आने की वजह पूछी तो वो मुझसे कहने लगी कि दिव्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या मैं आपके पास बैठकर बातें कर सकती हूँ? कल संडे है तो कॉलेज में भी छुट्टी है। मैंने कहा, हाँ बैठ जाओ, और वो बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रख दी और चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तब वो बड़े ही गौर से मुझे देख रही थी। उसके मासूम से चेहरे को देखकर अचानक मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई।
तब वो भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि आप इस उम्र में भी दिखने में इतने हैंडसम हैं, तो जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बड़ा प्यारा लगता है, और आपकी ये गहरी काली आँखें किसी को भी अपना दिल हारने पर मजबूर कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल के लिए तो ये समझ ही नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा, हाँ जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ, अब वो बात कहाँ रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी और बोली, ऐसी बात तो नहीं है, आप अभी भी एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते हैं। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मैं समझी थी कि आप दिव्या के बड़े भाई हैं। काजल की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हो गया था। मेरी माँ का आखिरी समय था और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आँखों से देखना चाहती थी। मैंने अपनी माँ की आखिरी इच्छा का मान रखा और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल दिव्या पैदा हो गई थी और दिव्या 2 महीने की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मेरी बात सुनकर काजल कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियाँ यही समझती है कि आप दिव्या के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी हिना से मेरी लव मैरिज हुई थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और हिना की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आँखें बंद होने लगी और वो बेड की दूसरी तरफ जहाँ बैठी थी वही लेट कर सो गई। पहले तो मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उस पर कंबल डाल दिया और मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई जब काजल नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। वो मेरे बाजू पर सिर रखकर सोई हुई थी और उसका हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं हड़बड़ा कर उसे नींद से उठा रहा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल जोरों से धड़कने लगा था। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था और उसके जिस्म से आती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात पैदा कर दिए थे। बाकी रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम से बादल के गरजने की आवाज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और मेरे सीने पर अपना सिर रख दिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं इतनी ठंड में भी पसीना पसीना हो गया था। फिर वो अचानक ही नींद में बड़बड़ाने लगी, आलोक मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। अब मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार हिना के बाद मेरा दिल किसी के लिए यूं बेकाबू हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में आगे बढ़ जाता, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो दिव्या भी घबराती है। काजल गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दिव्या घबराई हुई सी दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे दरवाजा खोलते ही मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, पापा मुझे डर लग रहा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे और काजल भी मेरे पास नहीं थी। मैंने दिव्या का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी और फिर कहा, दिव्या अब तो बड़ी हो जाओ, बादलों की चमक से कौन डरता है भला। जाओ तुम काजल के साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। दिव्या काजल के पास सो गई और मैं दिव्या के कमरे में आकर लेट गया। मेरी नींद अब उड़ चुकी थी और मेरा दिल अब अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था और मेरे जज्बात अब खुद ब खुद काजल के लिए बदलने लगे थे। एक बार मेरे दोस्त ने दावत दी थी तो मैंने दिव्या और काजल दोनों को पहले से ही तैयार रहने के लिए बोल दिया था। जब ऑफिस से वापस आया
तो काजल अपने दो जोड़ी कपड़े मेरे कमरे में बेड पर रखे बैठी हुई थी। मैंने उसे पूछा, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? तो वो कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं, और दिव्या भी नहीं बता रही है। आप मुझे बताइए ना, कौन सा जोड़ा ज्यादा अच्छा है? आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके इस सवाल पर मैं हंसने लगा और मैंने उसे कहा, मैं भी दिव्या का ही बाप हूँ, मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है, जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे वही पहन लो। तो वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, आलोक आप मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, आज मुझे आपकी ही पसंद पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी थी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक ड्रेस उठाकर दे दिया तो वो खुश हो गई। लेकिन जब वो तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर जब उसने मुझसे पूछा, आलोक सच सच बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तब मेरे दिल से आवाज आई, आलोक आज काजल की तारीफ उन शब्दों में करना जैसे तुम हिना की किया करते थे। मेरा दिल काजल की तारीफ सुनने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और नजरें चुराते हुए कहा, काजल तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और मेरी तारीफ सुनकर काजल बहुत खुश हो गई थी। अब तो काजल भी कभी कभी दिव्या की तरह ही अपना हक जताने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज खरीद कर लाता तो वो दिव्या की तरह ही मेरे गले लग जाती और मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू आलोक, थैंक यू सो मच। दिव्या मेरी बेटी थी, इसलिए उसके लिए मेरे जज्बात अलग ही थे। उसका इस तरह प्यार करना मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात काजल मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। काजल का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि मैं उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं और उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि काजल को बड़े झुमके बहुत पसंद थे। सोचा था आज काजल को उसकी पसंद के झुमके देकर मैं अपने दिल की बात भी कह दूंगा और उसे वो प्यार भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से घर के अंदर आ गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में दिव्या और काजल की हंसने की आवाजें आने लगी। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी वो सुनकर तो मेरी सांसें ही थम गई थी। मेरे हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए थे जो मैं काजल के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट गया। आज पहली बार आईने पर नजर पड़ते ही मुझे अपनी उम्र बहुत बड़ी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बाद भी मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने खुद को तब संभाल लिया जब काजल वही झुमके पहनकर मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आ गई। और वो आते ही कहने लगी कि आप मेरे लिए इतने खूबसूरत झुमके लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, और कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वह भी कारपेट पर। वो मेरे पास आने लगी लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने उसे कहा, खाना गरम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, और वो ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझे आज पता चली थी, मेरे लिए ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। उस दिन के बाद मैंने खुद ही काजल से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आज वो दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुई तो काजल मेरे कमरे में आई थी। मैं गाड़ी की चाबी लेकर बाहर ही जा रहा था लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया था।
वो भी मुझे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी, आलोक मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी खासी तैयार थी और प्यारी भी लग रही थी, लेकिन मैंने नजरें चुरा ली क्योंकि उन शब्दों ने तो मेरे अंदर जैसे आग ही लगा दी थी जो सच्चाई में जान चुका था। वो सब सुनने के बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई। शायद उसे मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसी सख्ती से काजल की दोनों बाजुओं को दबोचते हुए कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया और वो तुरंत ही मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया और मेरे अंदर तो ऐसी आग लगी हुई थी कि जी चाह रहा था कि खुद को खत्म ही कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तो दिव्या भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा बहुत जल्दी मचाते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज लग रही थी। आज अगर मेरा मूड अच्छा होता तो दिव्या की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन फिलहाल तो मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर में काजल भी बाहर आ गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि वो मुंह धोकर बिल्कुल सादे हुलिये में बाहर आई थी और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे कि रोई हो। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटा ली और जब वो मेरे पास वाली फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया कि जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठ गई थी और पूरे रास्ते दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही थी। दिव्या उसे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उससे सख्त अंदाज में क्यों बात की थी, लेकिन उसे यह नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने मतलब के लिए मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेल गई थी। मेरा भी दिल टूटा था और मेरा रवैया अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन ये कमबख्त दिल अब काजल के प्यार में पागल हो चुका था और काजल के आंसुओं ने पूरा दिन मुझे बेचैन करके रखा था। काजल अब मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी, कुछ पूछती भी नहीं थी और मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। मेरे लिए तो ये अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त मुझ पर ही जमी रहती थी जिनमें ना जाने क्यों इतने गिले शिकवे नजर आ रहे थे। वक्त की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों में मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए दिव्या का रिश्ता मांग लिया था। वो लड़का मुझे तो बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने दिव्या से उसकी राय पूछी क्योंकि यह उसका हक था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने उसका जवाब दे दिया और कुछ ही महीनों बाद की दिव्या की शादी की तारीख तय हो गई। जिस दिन दिव्या की विदाई हुई थी वो काजल के गले लगकर खूब रोई थी और काजल भी बहुत रो रही थी। दिव्या अपने ससुराल जा चुकी थी, अब घर में सिर्फ मैं था और काजल थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन दिव्या विदा हुई उसी रात मैंने काजल से कह दिया था कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो कुछ थकी थकी सी लग रही थी और दिव्या की जुदाई से उदास भी थी। वो लाउंज में रखे हुए डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई और मैं भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि इस मजबूरी के बंधन को मैं अभी खत्म कर दूं, जिसे काजल ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन काजल और दिव्या यही तो बातें कर रही थी। उस दिन दिव्या काजल से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुमने पापा से यह शादी अपनी मामी के भाई से बचने के लिए की है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना
क्योंकि पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। और फिर तुम्हारा दिल भी तो मेरी तरह चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। दिव्या इतना कहकर चुप हो गई और काजल हंसते हुए बोली कि मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना दिव्या? जाहिर है यार, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं? कितने बड़े हैं वो मुझसे? काजल के इस जवाब ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा इस कड़वी सच्चाई के घूंट पी रहा था और काजल आगे कह रही थी, दिव्या तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी ना, मामी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है, शादी की रात को तो मेरी जान निकल रही थी, लेकिन शुक्र है आलोक ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। काजल की इन बातों ने मेरे दिल को छल्ली कर दिया था, क्योंकि यह बातें मुझे तब पता चली जब मैं उसे चाहने लगा था। उसकी बात पर दिव्या तुरंत ही बोल पड़ी, अरे वो ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नजर में? काजल तुम पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। मेरी अपनी बेटी ने भी दोस्ती की खातिर मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था और मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। काजल के अगले शब्दों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कहने लगी, हाँ है ना, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। उसके मुंह से ये सुनकर तो मैं मानो एक जिंदा लाश हो गया था। तभी दिव्या ने उससे बड़ी बेताबी से पूछा, अच्छा तुमने पहले तो कभी मुझे बताया नहीं, चलो अब बता दो कि कौन है वो? दिव्या ने बड़ी बेचैनी से ये पूछा था, लेकिन काजल ये कहकर टाल गई कि अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था और उसी वक्त सोच लिया था कि दिव्या की शादी के बाद मैं काजल को इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद कर दूंगा। इसलिए मैंने खुद ही उससे बात शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझे आकर मिले, मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरान दिख रही थी, तो मैंने उसे कहा, तुम्हें और कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी और दिव्या की सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है और तुम्हारे भी कई सपने होंगे, लेकिन मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है कि तुम अगर मुझे सच कह देती कि तुम मुझसे किस मकसद से शादी करना चाहती हो तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था तो मैं वो सहारा तुम्हें जरूर देता, लेकिन जो खेल तुमने और दिव्या ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ और तुम मुझसे ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हो? मैं बहुत उदासी से बात कर रहा था और बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि काजल अब मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। वो आज बिल्कुल चुप थी, बस एक टक मुझे देखे जा रही थी, शायद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। तुम जब भी चाहोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुला लो जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ तय कर दूं। अब मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला लेना मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर काजल और दिव्या मुझे सच बताकर ये रिश्ता जोड़ती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे।
मेरी आँखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी मैं बेड पर लेट गया कि तभी बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं चौंक गया और उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि काजल सामने खड़ी थी। मैंने उसे कहा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मैं किस दर्द से गुजर रहा था ये तो मैं ही जानता था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं आज भी काजल के साथ कोई सख्ती कर जाऊं। लेकिन वो शायद रो रही थी और कहने लगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। काजल की ये बात सुनकर तो मेरी जान मेरी हथेली पर आ गई थी और उस बेवकूफ लड़की पर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने फिर उठकर दरवाजा खोला तो वो अभी भी उसी ड्रेस में थी जो दिव्या की शादी पर पहना था, और वैसे ही तैयार भी थी। बस रोने से काजल फैला हुआ था, लेकिन उस वक्त वो फैला हुआ काजल भी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैंने नजरें फेर ली तो वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? काजल की इस बात पर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा और सोचा, ये कैसा बेतुका सवाल है। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, मैंने कुछ पूछा है आपसे कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ? और यह कहकर वो अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी और मैं तो अपनी जगह पत्थर हो गया था। काजल मेरे सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, आलोक, आपने आधी अधूरी बातें सुनी और खुद से ही मेरे बारे में कुछ भी सोच लिया। मेरा जीवन साथी एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो, ये दिव्या की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल है, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन दिव्या हर बार उम्र का फर्क मेरे सामने रख देती थी। उसे ऐसा लगता था कि मैंने मामी के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है, इसलिए मैं दिव्या को वही जवाब दे देती थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिला कर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस थी, लेकिन वो तो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद से मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने खुद से ही आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया था। रात के वक्त आपसे बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपका प्यार चाहिए था, मुझे हमारे रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसलिए बारिश के बहाने से मैं आपके करीब आ गई थी, लेकिन दिव्या के आ जाने से मैं आपका प्यार पाने में असफल रह गई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूं, ताकि आपकी तारीफ भरी नजरें मुझ पर उठें। आपकी नजरें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थी, इसलिए मैं अलग अलग बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हैं। वो मेरे सीने से लगकर मुझसे मेरी ही शिकायतें कर रही थी और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक गलत फहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई कि मैंने काजल की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और ये गलती तो मेरी थी, इसलिए मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया और कहा, काजल, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही मैंने उसकी तारीफ की, वो रोते रोते ही हंसने लगी और मैं मुस्कुराने लगा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और मासूम भी इतनी कि मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। मैंने कसकर काजल को अपने सीने से लगा लिया और मेरे दिल की धड़कनें फिर तेज होने लगी, लेकिन इस बार मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ
काजल के दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।